लिखिए, स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हमने ये देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, यहाँ पर हम जो लिखते हैं एम, इज, आर, या पास्ट में हम वॉज भी लिखते हैं या वर भी लिखते हैं, या हम फ्यूचर में विल बी भी कर दें, ये जितने भी रहेंगे ये सब फ़िलहाल ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और इनके बगल में यहाँ पर या तो कोई नाउन होता है, या थोड़ा सा नाउन से बड़ा हो गया तो उसे क्या कहा जाता है, नाउन फ्रेज कह देते हैं, या यहाँ पर एडजेक्टिव्स होते हैं, या यहाँ पर आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज मिलता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखाई देता है आपको, या आपको यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कोई बता सकता है कि क्यों मैं लिंकिंग वर्ब कह रहा हूँ, हेल्पिंग क्यों नहीं, एनी आइडिया? क्योंकि सर इसमें एक्शन नहीं है। करेक्ट। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई एम अ टीचर, मैंने यहाँ पर एम लगाया, ज़्यादातर लोगों को एम हेल्पिंग वर्ब लगता है, बट यहाँ पर एम के बगल में कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो याद रखिए, अगर यहाँ पर रहता कि आई एम टीचिंग, तो यहाँ एम भी है और यहाँ टीचिंग भी है, तो ये जो टीचिंग है इसे हम बोलेंगे मेन वर्ब, और ये जो एम है इसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आई एम अ टीचर, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो एम है ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वही एम है, एक ही एम है। तो यहां पर जो एम है ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, और यहां जो एम है ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। चलिए सेंटेंस लिखता, बताइए लिंकिंग हेल्पिंग। अगर मैं कहता हूं कि जस्ट मिनट, अगर मैं कहता हूं कि शी वॉज टॉकिंग टू मी और शी वॉज इन द रूम, कहां पे लिंकिंग है, कहां पे हेल्पिंग वर्ब, बताइए। सर पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग है पहले वाला में। तो यहां जो वॉज है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और नीचे जो वॉज है ये हो गया लिंकिंग वर्ब। ये होता है डिफरेंस। ओके, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने देखा कि अगर मैं नाउन की बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ही इज अ टीचर, तो हमारा भाई टीचर क्या है, एक नाउन है ना, एक नाउन है। अगर मैं कहता हूँ कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं इतना बोलता हूँ, तो मैं जो स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऊपर जो मैंने कहा है ना, ये जो लिंकिंग वर्ब्स है इसके बाद क्या क्या आता है, या तो कुछ छोटा सा नाउन होगा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कहेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर थोड़ा तो बड़ा हुआ ना, ये देखो तो माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब इसके अंदर जो मेन जो नाउन है वो तो फ्रेंड है, हम फ्रेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना सारा आइटम मिल गया तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, अब नाउन, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है ना, एक फ्रेज बन गई। फ्रेज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ही क्यों बोल रहे हैं हम इसको, एडजेक्टिव फ्रेज या कोई और फ्रेज क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन रोल कौन अदा कर रहा है, एक नाउन अदा कर रहा है। देखो फ्रेंड नाउन है ना, इसलिए नाउन फ्रेज। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बताना नाउन फ्रेज किधर है। अगर मैं कहता हूँ कि अ गॉर्जियस गर्ल इज इन द रूम, बताओ नाउन फ्रेज किधर है, अ गॉर्जियस गर्ल, जिस गर्ल है ना। तो ये पूरा का पूरा, तो नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है और ये लिंकिंग वर्ब के बाद भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये है, ये भी नाउन फ्रेज है, तो ये पूरा आपका नाउन फ्रेज है। देखो
फ्रेज। फिर हमने देखा कि भाई प्रपोजिशनल फ्रेज की हम बार बार बात करते हैं, तो उस पर भी मैंने कहा था, पता नहीं पिछले वीडियो में बताया होगा, कि एक प्रपोजिशन होना चाहिए, उस प्रपोजिशन के बगल में या तो कोई नाउन हो या पूरा का पूरा कोई नाउन फ्रेज आ जाए। तो इस पूरे को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसे मैं कहता हूँ इन, इन मेरा प्रपोजिशन है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ द किचन, किचन मेरा एक नाउन है, द एक आर्टिकल है। तो इस इन को और इस नाउन को अगर मैं मिला दूँ पूरा, अगर मैं इसको कह दूँ इन द किचन, तो इन द किचन एक्चुअली क्या बन गया, एक प्रपोजिशनल फ्रेज। क्योंकि इसके अंदर लास्ट सेंटेंस इन द रूम में भी वो प्रपोजिशनल फ्रेज है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं यहाँ बोलूँ ना अ गॉर्जियस गर्ल, ये नाउन फ्रेज हो गया, और इन द रूम क्या हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। एक सेंटेंस में दो फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो देखो, ये नाउन फ्रेज और ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। अंग्रेजी में आप यकीन नहीं करोगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारे फ्रेजेस और क्लॉजेस मिलेंगे। कभी ऐसा सोचा इस तरीके से, कभी देखना जरा, फ्रेजेस और क्लॉजेस बहुत बड़ा खेल होता है इसका। चलिए तो और देखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि दैट लेडी वॉज विद अ हैंडसम बॉय, अगर मैं ऐसे कहता हूं, तो इधर किधर है प्रपोजिशनल फ्रेज बताओ। विथ ए हैंडसम बॉय, विथ ए हैंडसम बॉय, तो ये मेरा प्रपोजिशन हो गया और ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बन गया, फ्रेज हो गया। तो विद अ हैंडसम बॉय इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। ये और देखिए, अगर मैं कहता हूं कि शी वॉज, और ऑन द टेरेस, इतना भी कहता हूं तो यहां भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। कौन सा है वो, ऑन द टेरेस, ऑन द टेरेस, ऑन द टेरेस, है ना। तो कहने का मतलब कि जो स्टेट ऑफ बीइंग हम जो सीख रहे हैं ना, उसमें हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बताते हैं, ये शी मेरा सब्जेक्ट है, हम बस ये बताते हैं कि वो सब्जेक्ट कोई नाउन है, वो कोई एडजेक्टिव मतलब उसकी तारीफ है, या वो किसी के साथ है, छत पर है, कमरे में है, उसका लोकेशन क्या है, यही सब बताते हैं। इसीलिए हम प्रपोजिशनल फ्रेज वगैरह लगाते हैं। देखिए अगर मैं ऐसे कहता हूँ, एक आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस की एक लिस्ट आती है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ हेयर, देयर, ये सब प्लेस को दिखाता है, बट ये शब्द बने बनाए आते हैं। अगर मैं कहता हूँ समवेयर, अगर मैं कहता हूँ एनी वेयर, नो वेयर, ओके, अप डाउन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, कई बार इन, अकेला इन भी एडवर्ब का काम कर जाता है, प्रेपोजिशन भी होता है बट ये भी होता है। आउट एडवर्ब का काम कर जाता है, इनसाइड प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी बन जाता है, आउटसाइड, ये सब। वर्ड आता है अब्रोड, कई बार होम, तो ये सब एडवर्ब वो प्लेसेस है, ये लोकेशन को दिखाता है। तो अगर मैं कहता हूं कि शी इज देयर, तो खाली देयर बोलने से ये तो पता नहीं चलता है कि वो छत पर है कि कहां पर है, बट ये पता चलता है कि वो जो लड़की है वो इस वक्त कहीं ना कहीं दूर के लोकेशन पर है। हेयर मतलब नजदीक और देयर मतलब दूर, यस और नो, समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेसेस वगैरह भी यूज होते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सब्जेक्ट हमारा इस वक्त कहाँ है, बस। तो स्टेट ऑफ बीइंग का पूरा मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में छोटी से छोटी डिटेल बताना, छोटी से छोटी डिटेल को बताना, बताना कि सब्जेक्ट
कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, etc. सिर्फ एक्शन नहीं बताना है, सिर्फ एक्शन नहीं बता सकते. तो स्टेट ऑफ बीइंग सीखने से सबसे बड़ा फायदा है कि आप हर एक चीज बता सकते हो एक्शन को छोड़ करके. बस आप किसी की तारीफ करो, आप उसकी बुराई करो, सब कुछ स्टेट ऑफ बीइंग है. मतलब एडजेक्टिव लगाओगे, तारीफ और बुराई का मतलब है एडजेक्टिव लगाना. आप उसमें एडजेक्टिव लगाओगे तो एडजेक्टिव आप तीन तरीके से यूज करोगे. सबसे पहले आपको नॉर्मल एडजेक्टिव लगाओगे. नॉर्मल का मतलब है कि आपने बोला कि बहुत सुंदर है तो आपने ब्यूटीफुल लगा दिया, मजबूत है तो स्ट्रांग लगा दिया, यू नो अट्रैक्टिव है, तो ये सब आपने लगा दिया. आपने अगर कहा कि शी इज़ ब्यूटीफुल तो शी आपका सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट उसकी क्वालिटी क्या है कि वो सुंदर है, तो आपने उसकी एक तारीफ कर दी. ठीक है, आप उसे बुराई भी कर सकते हो. अगर आपने कह दिया कि शी इज़ अगली तो आपने उसके बारे में कहा कि नहीं यार वो अच्छी नहीं दिखती, मतलब उसका अपेयरेंस अच्छा नहीं, तो शी इज़ अगली आपने कह दिया. तो जैसे ये एडजेक्टिव है नॉर्मल वाला, वैसे जो आपका एडजेक्टिव आता है जो आपने उस दिन सीखा होगा वो V3 में आता है. V3 एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वर्क काम हो चुका है, यानी कि उस सब्जेक्ट के साथ कुछ पहले ही हो गया है, पहले ही हो गया है. अब वो सब्जेक्ट इस हालत में है, इस हालत में है. यानी कि अगर मैं कहता हूं कि शी इज इंजर्ड, यानी कि ये जो शी नाम की लड़की है ये पहले ही घायल हो चुकी है. ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव इस बात को दिखाता है. अगर यहां पर एक लड़की है और मैं इस लड़की को देखकर कह रहा हूं कि ओ माय गॉड शी इज इंजर्ड, तो ये मैं स्टेट ऑफ बीइंग कह रहा हूं. मैं कोई पैसिव नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई टेंस नहीं बोल रहा हूं. ये मैंने शी करके इस सब्जेक्ट की तरफ इशारा किया. इज मतलब उसकी प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूं, इंजर्ड मतलब कि इस वक्त उसकी अवस्था मुझे कैसी दिख रही है, घायल अवस्था दिख रही है. तो क्या घायल वो होना बाकी है कि हो चुकी है, सोचो ना, घायल हो चुकी है ना. तो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव लगाने से क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ होना बाकी है कि ऑलरेडी हो गया है, क्या पता चलता है? ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी हो गया है. इसलिए हमें V3 एडजेक्टिव का सहारा लेना पड़ता है. अगर मैंने देखा लेट से कि एक कार मैंने देखी और कार को मैंने देखा जैसे पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हो कार कैसे इधर से टेढ़ा उधर से फटा टूटा डैमेज दिखता है ना कार पुलिस स्टेशन के, देखना उधर. यस सर. तो मैंने बोला कि दैट कार इज, और मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया मैंगल्ड, मैंगल्ड, दैट कार इज मैंगल्ड. तो ये थर्ड फॉर्म है. मैंगल का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा डैमेज हो जाना. तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कार का डैमेज होना बाकी है कि ऑलरेडी डैमेज हालत में दिख रही है? सोचो, ऑलरेडी डैमेज हालत में, द कार इज मैंगल्ड मतलब डैमेज हालत में दिख रही है. इसी तरीके से अगर यहां पर एक लेडी है और इस लेडी के बारे में मैं कहता हूं कि शी इज बोर्ड, तो क्या ये बोर होगी या ऑलरेडी बोर हो चुकी है? है ना, ऑलरेडी हो चुकी है. तो V3 जो है वो इतना प्यारा एडजेक्टिव है. आप इज आर एम वाज वर के साथ लगाओ और आप ये बता दो कि वो ऐसी है या ऐसी थी. अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दू कि शी वॉज बोर्ड 5 मिनट्स अगो, अब मैं क्या बता रहा हूं उसके बारे में कि 5 मिनट पहले उसकी अवस्था कैसी थी, वो बोर्ड थी, अब नहीं है. अगर मैं वॉज लगा दूंगा तो मैं उसके पास्ट के बारे में बताऊंगा कि उस वक्त 5 मिनट पहले वो ऐसी थी. जैसे अगर मैं कह दूं कि This car was mangled few days ago. तो मैं अब क्या कहना चाह रहा हूं बताओ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 5 दिन पहले कार में डैमेज था. यानी कि अगर अभी मैं कार को देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार अभी तो कार बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन 5 दिन पहले इसकी अवस्था कैसी थी? मैंगल्ड है ना. तो मैं उसे वॉज लगा के भी बोल सकता हूँ V3 को,
तो ये कोई पैसिव नहीं है कि कभी पैसिव जैसी फीलिंग आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार V3 लगा है, वॉज लगा है, कहीं ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव तो नहीं है, ऐसा दिखता है बट ये है नहीं एक्चुअली। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। ओके और देखिए एक वर्ड आता है, इसको आप तो गूगल पे ढूंढिए तो डिलैपिडेटेड, नाम सुना किसी ने? नहीं सुना? जर्जर। हाँ तो डिलैपिडेटेड का मतलब होता है ना एकदम, कोई बिल्डिंग आपने मुंबई में ज्यादातर ये दिखता है, अजीब सी बिल्डिंग दिखती है, कब आज गिर जाए कल गिर जाए, देखते हो जर्जर हालत रहती है, जर्जर हालत। मुंबई वालों को बुरा लग रहा होगा मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग यहाँ देखने को मिलती है, तो डिलैपिडेटेड जर्जर हालत रहती है। एक बार गूगल सर्च कीजिए ना, आपको पता चलेगा। देखिए जर्जर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैसे समझाऊं, बहुत बिल्कुल खराब हालात में से टूटने को है। यस यस, बहुत पुराना वराना आज लगे कि यार इसमें रहना ठीक नहीं, भूकंप एक भूकंप का झटका इसे गिरा देगा, यू नो यू समझो, उसको डिलैपिडेटेड कहते। तो अगर मैं कहता हूं कि दिस बिल्डिंग इज डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खराब हालात में है, स्थिति खराब है बिल्डिंग की, है ना, यानी कि वो अब ये ऑलरेडी डिलैपिडेटेड का मतलब है कि ये ऑलरेडी उस अवस्था को पहुंच चुकी है ना, देख रहा? यस यस सर। इसलिए हम V3 का यूज इतना ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। ओके छोटा मोटा घरेलू की यू नो ये फर्नीचर टूटा हुआ है, कुर्सी टूटी हुई है, तब तो बोल ही सकते हो कि दिस चेयर इज क्या बोलोगे, ब्रोकन। तो ब्रोकन है मतलब कि किस अवस्था में है, टूटी हुई अवस्था में। एक बंदा है बेचारा एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज कंफ्यूज्ड, है ना। हम गलती से भी ऐसा नहीं कह सकते कि ही इज कंफ्यूज, हम कंफ्यूज बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें तो उसकी अवस्था दिखाने की, V3 का मतलब है कि इस अवस्था को प्राप्त हो चुका है ना, ऑलरेडी वो सब हो चुका है, अब वो इस अवस्था को दिख रहा है, काम डन है, कंफ्यूज होना हो गया, अब जो हमें दिख रहा है वो किस हालात में दिख रहा है, बंदा एकदम कुछ काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग कंफ्यूज है, चकराया हुआ है, भाई क्या करूं ना करूं। तो ये रोजमर्रा में स्टेट ऑफ बीइंग V3 वाला बहुत यूज होता है। आपने बोला यार हर मोबाइल इज, अब वो स्विच ऑफ है, तो आप स्विच ऑफ नहीं कह सकते, आपको क्या कहना पड़ेगा, स्विच्ड ऑफ, हर मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ। जिस दिन आपने ऐसा बोल दिया कि हर मोबाइल इज स्विच ऑफ, उस दिन आपका पढ़ना लिखना बेकार क्या फायदा है, तो आप स्विच ऑफ बोलोगे तो रॉन्ग, स्विच ऑफ कहना है। आप लोग क्या बोलते हो घर में, स्विच ऑफ की स्विच ऑफ क्या बोलते हो? समटाइम्स स्विच ऑफ ही बोलते हैं सर। ओके आई होप कि आप कभी मिस कॉल तो नहीं बोलते हो, मिस्ड कॉल होता है, मिस्ड कॉल होता है, मिस कॉल नहीं होता है, क्या बोलते हो आप लोग, मिस कॉल कोई रॉन्ग वाला मिस्ड कॉल्स होता है, याद रखिएगा। तो इंसान बहुत सारे गलत इंग्लिश तो बोलते ही रहते हैं घर में, बट अच्छे लेवल पे आप जाओ तो आप कह सकते कि ओ माय गॉड आई कैन सी 5 मिस्ड कॉल्स। जैसे आपको किसी फोन में 5 मिस्ड कॉल्स दिखाई दी और आप कह रहे हो कि देखो 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 5 मिस्ड कॉल्स हैं, तो आप वहां मिस्ड कॉल्स कहना, मिस कॉल मत कहना, इस तरीके से। चलिए और देखते हैं, अगर मैं कहता हूं बॉर्न चाइल्ड, मतलब पैदा हो चुका है कि होना बाकी है, पैदा हो चुका है, है ना। अगर मैं कहता हूं कि बर्नड हाउस, जलेगा कि जल चुका है, जल चुका है, है ना, इस तरीके से। अगर मैं कहता हूं कि बीटन, बीटन बॉय, मार खाया गया कि पिट गया, पिटा हुआ बॉय, पिट गया। ओके तो अगर मैं कहता हूं कि मोलेस्टेड गर्ल, छेड़ी जाएगी कि छिड़ चुकी है, छिड़ चुकी है, है ना, छिड़ चुकी है। अगर मैं कहता हूं कि स्टोलन बाइक,
चुराना बाकी है कि चोरी हो गई है? हो गई है। तो ऐसे आप देखो, आप घर में जहां भी आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे समझो काम डन है, काम डन है। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं फ्रोजन, जमना बाकी है कि जम गया है? जम गया है, गया है, जम गया है। इतना फर्क पड़ता है ये थर्ड फॉर्म से। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं बोर्ड, होना बाकी है कि ऑलरेडी बोर हो गया है बंदा? ऑलरेडी हो गया है बोर। ठीक है, अगर मैं कहता हूं डिस्टर्ब्ड, मतलब किस अवस्था में है? अभी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब अवस्था में। तो जैसे आप कह सकते हो कि ओ यू नो आई एम डिस्टर्ब्ड, तो आई एम डिस्टर्ब्ड का मतलब कि इस वक्त जो मेरी हालत है भैया, मैं बड़ा ही परेशान हूं, मतलब मैं ये डिस्टर्ब होकर के इस अवस्था में पहुंचा हूं, डिस्टर्ब्ड हो पाई ऐसे। अगर मैं कहता हूं शी इज डिप्रेस्ड, तो होना बाकी है कि हो गई है? हो गई है ना, हो गई डिप्रेस्ड। तो वी थ्री को आप ऐसे समझा करो कि काम डन है। इसीलिए अगर कोई कहता है कि मामा आई एम डन, तो आई एम डन का मतलब है कि मैंने काम खत्म कर लिया है। आई एम डन इज इक्वल टू आई हैव डन। अगर हम अपने बच्चे से कहते कि होमवर्क कर रहा है बेटा आर यू डन, तो आर यू डन इज इक्वल टू हैव यू डन, ऐसे समझा करो। आर यू डन, आर यू डन का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम अब उस अवस्था को प्राप्त हो गए हो, डन वाली होता है ना, डन डना डन डन, कंप्लीटेड अवस्था को। तो ये सब इंग्लिश चलती है आजकल, आर यू डन, आई एम डन। ओके, और देखते हैं। अब आता है कि अगर वर्ब में आईएनजी आ जाए और आईएनजी वाला अगर एडजेक्टिव आ जाए तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये थोड़ा आपको घुमा देगा। आप हो कि चले गए? ठीक है, जैसे वर्ब में आईएनजी जब आता है ना तो क्या क्या दिखा सकते हैं, देखो जैसे किसी का नेचर, किसी का नेचर दिखाने के लिए भी वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का यूज होता है। नेचर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे यहां पर एक लेडी है, अब इस लेडी का नेचर ऐसा है कि इसके साथ जो भी इसके पास जाएगा वो बंदा बोर हो जाएगा इस लड़की की वजह से। तो यानी कि ये लड़की खुद क्या है, ये बोर्ड है कि बोरिंग है? बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है। तो अब मैं इसको आईएनजी वाले एडजेक्टिव से बोलूंगा कि नो दैट गर्ल इज बोरिंग। अगर मैं कहता हूं दैट गर्ल इज बोर्ड, तो देखो दोनों में फर्क देख लो। बोरिंग कहता हूं, बोरिंग कहता हूं मतलब कि लड़की खुद वैसी है, यू नो खुद। अब बोरिंग की हिंदी क्या होती है, खुद बोर कर देने वाला नेचर है लड़की का, नेचर, लड़की का नेचर किसी को बोर कर देने वाला है। और अगर मैं कहता हूं कि द गर्ल, दैट गर्ल इज बोर्ड, मतलब लड़की ऊब चुकी, हाँ ऊबना कहते हैं ना बोर का मतलब, ऊब चुकी है, किसने बोर किया पता नहीं बट लड़की तो ऊब चुकी है और लड़की का नेचर उबाऊ है, यू नो बोरिंग। सर बोर का स्पेलिंग गलती हो गया है सर, बोर का गलत हो गया, कहाँ पे गया ये बोर्ड गलत, ऊपर वाला सेंटेंस में सर बोर कर देने वाले बोर, अच्छा बायर हो गया, ओके ठीक है। और देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अब इस चैप्टर का जो नेचर है, इस चैप्टर, ये चैप्टर कैसा है, तो अगर मैं यहां पर कहता हूं एग्जांपल के तौर पे कि दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग, तो इसका मतलब समझ रहे,
इसका नेचर है ये चैप्टर। इसमें डिफरेंस क्या है सर, कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज्ड? अरे बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं कहता हूँ कि दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग, मतलब ये जो चैप्टर है ना, इसका नेचर ऐसा है कि दूसरों को क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। ये चैप्टर कंफ्यूजिंग सर, परमानेंटली उसका नेचर है, नेचर है ये, ठीक है। ये चैप्टर कंफ्यूजिंग, अच्छा कंफ्यूज याद रखना कि एक कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है, कोई चैप्टर तो कंफ्यूज नहीं हो सकता ना, भी तो कॉमन सेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि दैट मैन इज कंफ्यूज्ड, दैट मैन इज कंफ्यूज्ड बिकॉज हिज ऐसा करता हूं, बिकॉज द चैप्टर विच ही इज लर्निंग इज कंफ्यूजिंग। अब दिमाग लगाओ, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो मैं कह रहा हूं भाई, आदमी कंफ्यूज्ड है, चकराया हुआ है, क्यों? क्योंकि वो जो चैप्टर पढ़ रहा है वो चैप्टर कैसा है, कंफ्यूजिंग, मतलब एकदम कंफ्यूजिया देगा आपको, आपका दिमाग हिला देगा, दिमाग का दही कर देगा, है ना? चैप्टर ही खराब है, चैप्टर ही खराब है। तो चैप्टर का नेचर हुआ कि नहीं हुआ, चैप्टर की क्वालिटी हो गई। तो वर्ब में आइन जी, कमाल का है ये। और देखते हैं, ओके, जैसे मैं कहता हूं कि चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच दैट मूवी बिकॉज इट इज सो डिस्टर्बिंग। तो मूवी डिस्टर्बिंग है, मतलब कि मूवी का नेचर हो गया, यानी कि ये मूवी जो है ये दूसरों को डिस्टर्ब कर देगी, ये डिस्टर्बिंग नेचर है भाई, ये मूवी ठीक नहीं। जैसे मूवी को मैं यहां पर गुड कहता तो अच्छा हो जाता, और मैं मूवी को डिस्टर्बिंग कह रहा हूं तो यानी कि मैंने कहीं ना कहीं मूवी की यहां पर बुराई कर दी ना। मैं मूवी के बारे में बता रहा हूं कि मूवी अच्छी नहीं है भाई, डिस्टर्बिंग मूवी है। तुम जाओगे और तुम हो जाओगे डिस्टर्ब्ड। मैं कहता हूं कि बिकॉज ऑफ वॉचिंग दैट disturbing movie, my friend got disturbed. कुछ समझ में आया? सोची सोची आया समझ में? Yes sir. Disturbing movie के कारण उसका दोस्त disturb हो गया। हाँ जी, तो इस तरह की disturbing movie देखने की वजह से मेरा जो दोस्त है वो बेचारा खुद disturbed हो गया। तो ऐसे बात करते हैं। तो एक तो नेचर हम दिखा सकते हैं कि बहुत कोई डिस्टर्बिंग है, कोई कंफ्यूजिंग है, यू नो। और क्या क्या दिखाते हैं? जैसे अगर मैं यहां पर बोलता हूं वर्क में आईएनजी लगाता हूं, वर्किंग। अब वर्किंग का मतलब क्या होता है, यह भी एक उसको दिखाता है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति है। जैसे आपने कभी सुना है कि शी इज अ वर्किंग लेडी, ऐसा सुना कभी? नहीं सुना? अगर मैं कहता हूं शी इज अ वर्किंग लेडी, तो वर्किंग यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। टेंस जैसा आपको लग रहा होगा क्योंकि आईएनजी है ना, परेशान तो करेगा आपको। तो ये बता रहा है कि वो किस तरह की लेडी है, वो गृहिणी है या कामकाजी लेडी है, काम वाम करती है ऑफिस में, तो वर्किंग लेडी है। तो ये एडजेक्टिव का काम करने वाली लेडी, काम करने वाली लेडी। उसी तरीके से और मैं आपको कंफ्यूजन दिखाता हूं इसमें। मान लीजिए मैं एक वर्ड बोलता हूं बर्निंग। अब बर्निंग के साथ दो बातें आती हैं। एक तो ऐसा लगता है कि कोई चीज लाइव जल रहा है, ये फीलिंग आती है। दूसरी फीलिंग आती है कि कोई चीज या इसको ऐसे बोल सकते, जलता हुआ। एक आता है जलने वाला नेचर, मान लो बार बार वो जल जाता है। तो अगर कोई चीज लाइव जल रहा है तो आप टेंस में कहते हो। टेंस में कैसे कहते हो कि यू नो यह घर जल रहा है, तो आप वैसे वैसे बोलते हो ना कि दिस हाउस इज बर्निंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये टेंस है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं एक जलते हुए घर के पास हूं, तो कैसे बोलोगे? आई एम नियर, कैसे बोलोगे? अ नियर द बर्निंग हाउस। आप दो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर अचानक कहीं गया आप किसी को बोल रहे हो तो आप और भी लगा सकते हो। तो
तो यहां पर जो आप बर्निंग बोल रहे हो ना, ये एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि उस हाउस के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. कैसा घर? जलता हुआ घर. जलता हुआ, ये एक घर, जी ये घर है, इसमें आग लगी हुई है और आप यहां पर खड़े हो और आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि अरे यार आई एम नियर द, यहां द लगा दो, द से सबको पता चलेगा कि कोई खास ही घर है जो जल रहा है, द लगा दो. आपने बोला आई एम नियर द बर्निंग हाउस, आई एम नियर द बर्निंग हाउस, यानी कि जो भी आएगा वो समझ जाएगा कि अच्छा जलते हुए घर के पास है वो. देख लो एकदम बोलो, मूवी थी द बर्निंग ट्रेन. यस, बर्निंग ट्रेन, ऐसी कोई मूवी थी ना, बर्निंग. यस सर. यस, जलता हुआ, एकदम जल रहा होगा ट्रेन उस वक्त, आग लगी होगी ऐसे. लेकिन अगर आप ऐसे बोल दोगे ना कि आई एम नियर द बर्नड हाउस, तो अब बर्नड का मतलब ही कि ऑलरेडी जल चुका है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो बर्नड का मतलब कि वो जल चुका है, जले हुए घर के पास, और बर्निंग का मतलब है जलते हुए घर के पास, घर के पास. ऐसे फर्क दिखता है ये वाले में, ठीक है. तो मैं कुछ एडजेक्टिव्स की लिस्ट देखूंगा जो आईएनजी भी हो. जैसे अगर मैं यहां पर बोलता हूं चार्मिंग, तो चार्मिंग आईएनजी है, तो ये कहीं ना कहीं नेचर बता रहा है ना. यस सर. उसकी पर्सनालिटी को दिखा रहा है ना. अगर मैं कहता हूं कि ही इज सो चार्मिंग, तो यहां पर यानी कि कहीं ना कहीं उस बंदे की पर्सनालिटी को दिखा रहा है कि यहां पर एक व्यक्ति है और ये बड़ा ही चार्मिंग व्यक्ति, मतलब इसका नेचर कैसा है, एकदम चार्मिंग, क्या बोलते हैं हिंदी में, एकदम खुश मिजाज टाइप होगा ये होगा. ओके, और सोचो कुछ. That is harming, sir. Harming? Harming क्या है? चलो मैं कुछ लिस्ट आपको दे दूंगा, आप समझ जाओगे. अच्छा, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट है और हमने यहाँ पर कोई एम लगा दिया, इज लगा दिया, आर लगा दिया, वॉज लगा दिया, वर लगा दिया, फ्यूचर के लिए हमें विल और बी एक साथ लगाना पड़ता, विल बी ये लगा दिया, तो इसके बगल में हम कैसे कैसे, या तो लिख सकते हैं अ टीचर, यू नो, या हम लिख सकते हैं कि यू नो माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसे नाउन फ्रेज हो गया, या हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुल, ये सब शब्द आएंगे, या हम लिख सकते हैं यू नो थर्ड फॉर्म वाला, जैसे इंजर्ड, है ना, या आईएनजी वाला कंफ्यूजिंग, ऐसे ये लिख सकते हैं, या एडवर्ब वो प्लेस था, हम यहाँ पर देयर लिख सकते हैं, यू नो प्रीपोजिशन इन द रूम लिख सकते हैं. इस तरीके से हम स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करते हैं. एक्शन नहीं, बस एक्शन नहीं हो सकता इसके अंदर. अब है कि अब इस पर हम सवाल जवाब एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस कैसे करें, तो हम इसको कई भागों में कन्वर्ट करेंगे. हम यहाँ पर रैपिड फायर करेंगे और रैपिड फायर में हम पहले उठा लेते हैं कि एम इज और आर, मान लो हमने इसको उठा लिया. अब हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे. पहला हम ले लेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का रूल क्या होता है, एक एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं कमरे में हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम इन द रूम. तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड. ओके, वो मेरी वाइफ है, शी इज माई वाइफ. ओके, वो लेट्स से कि वो घर एक्सपेंसिव है, दैट हाउस इज एक्सपेंसिव. तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब सेंटेंस हम ऐसे रैपिड फायर करेंगे. उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव. अब नेगेटिव के अंदर हमें इसी एम में और इज में, एम इज और आर, इसके साथ हमें नॉट लगा देना. तो अगर मैं कमरे में नहीं हूं तो आई एम नॉट इन द रूम. अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन करूँ, छोटा कर दूँ, तो मैं आई के साथ एम ऐसे छोटा कर सकता हूं, नॉट को छोटा नहीं कर सकता, कि आई एम नॉट इन द रूम में कर सकता हूं. अगर मैं गलती से ऐसे कर दूं कि आई
और यहाँ amend कर दूँ, I amend in the room, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि amend कुछ होता ही नहीं, amend exist ही नहीं करता, तो ये गलती नहीं करनी। मैं यू के साथ जाता हूँ कि भाई तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन करूँ तो या तो मैं यू और आर को ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे यू आर नॉट माई फ्रेंड, या मैं यू को वैसे रहने दूँ आर और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आरेंट, यू आरेंट माई फ्रेंड। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन तो दो एंगल से हो सकता है। वैसे अगर मैं कहता हूँ कि शी इज सो ब्यूटिफुल, या शी ऐसे कहता हूँ शी इज टैलेंटेड, नेगेटिव में करता हूँ शी इज नॉट टैलेंट, ये नेगेटिव चल रहा है, शी इज नॉट टैलेंट। अब अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन करता हूँ तो या तो मैं शी और इज को कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, शीज, शी इज नॉट टैलेंटेड, या मैं शी को ऐसे रहने दूं इज और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, शी इजंट। यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, छोटा कर देना, समझ रहे हो, बड़े को छोटा। यस सर। तो हम समझ गए कि हम एम इज आर को कैसे छोटा करेंगे, वॉज में कैसे करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि I was not there, तो इसको आप was और not को ही छोटा करो, ऐसे कर दो I wasn't there। अगर मैं कहता हूँ कि you were not happy, were और not को छोटा कर दो, you weren't happy। will be मैं कहता हूँ कि she will not be at home tomorrow, कल वो घर पर नहीं होगी। अब इसको छोटा करने के लिए जरा ऑडियो ऑफ कीजिए ना सारे लोग, या तो शी और विल को कर दो तो शिल हो जाएगा, शिल नॉट बी एट होम टुमारो, या विल और नॉट को छोटा कर दो तो ये वॉन्ट हो जाएगा, शी वॉन्ट बी एट होम टुमारो। याद रखना, यानी कि विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वर्ड, बन गया। अब अगर आप इंटरोगेटिव में आते हो, तो इंटरोगेटिव में रूल क्या होता है कि आप जो भी लिंकिंग वर्ब है उसको पहले रखो, एम इज आर वॉज वर, इसको पहले रखो, यहां पे सब्जेक्ट लगाओ और बाकी आपको पता ही है, नाउन, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाओगे। जैसे क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, Am I your friend? क्या तुम मेरे भाई हो? Are you my brother? क्या वो तुम्हारी वाइफ है? Is she your wife? ऐसे लग गया। फ्यूचर वाले में थोड़ा सा अलग होता है, फ्यूचर में आपको विल के बगल में यहां सब्जेक्ट रखना है, बी थोड़ा सा दूर भाग जाएगा, बाकी सब सेम है। जैसे क्या कल तुम कमरे में होगे? विल यू बी इन द रूम टुमारो, ऐसे। तो ये भी हो गया, इन सब का रैपिड फायर आप करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड्स अगर आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जैसे कि मान लो आपने वेयर लगाया कि भाई मोनिका कहाँ है, वेयर इज मोनिका आपने बोला। अगर आपको ऐसे बोलना है कि यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मोनिका कहाँ है, कहाँ है, जैसे आप बोलोगे ना आई डोंट नो, अब यहां वेयर लगाओगे तो अब यहां पर आप इज मत लगाना, मोनिका लगाना। हाँ, आई डोंट नो वेयर मोनिका इज, ऐसे करो, इज यहां लास्ट में आ जाएगा। इसका बहुत ख्याल रखना है, मतलब क्या बोलूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट में कह सकता हूं। अगर आपने मान लो गलती से ऐसा बोल दिया, कैसे बोल सकते हैं, अगर आपने कह दिया आई डोंट नो वेयर इज मोनिका, मुझे लगता है आप लोग ऐसे ही बोलते होंगे, आई डोंट नो वेयर इज मोनिका, तो क्या हो जाएगा ये,
गलत सर, टेल मी अगर लगाएंगे उसमें भी ऐसा ही यूज होगा, उसमें भी ऐसे होगा। मुझे बताओ मोनिका कहाँ है, मुझे बताओ मोनिका कहाँ है, अभी पूरा एक सेंटेंस है। अगर एक सेंटेंस है तब तो आप ऐसे कह सकते हो कि टेल मी वेयर मोनिका इज, लेकिन किसी ने दो टुकड़ों में बोला, पहले उसने बोला टेल मी और थोड़ा ब्रेक ले लिया मान लो बता मुझे अबे किधर है मोनिका, वेयर इज मोनिका, तब तो ऐसे बोल सकता है। तो बोलने में लोगों को पता नहीं चलता है कि वो दो टुकड़े में बोल रहा है कि वो एक टुकड़े में बोल रहा है, तो ये कंफ्यूजन यहां रहेगा। बट मैं जब बोलता हूं तो जनरली मैं ऐसे बोलता हूं, टेल मी वेयर ही इज, बता वो कहां है, टेल मी वेयर माई मोबाइल इज, ऐसे ऐसे अगर है हु, अब मैं कहता हूं हु मतलब क्या होता है कौन है, मैं कहता हूं भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो इसकी इंग्लिश होती हु आर यू। लेकिन अगर मैं कह दूं भाई मुझे पता है तुम कौन हो, आई नो, अब मैं क्या बोलूंगा सोचो, हु यू आर, यस आई नो हु यू आर, मैं ऐसे बोलूंगा। अगर मैंने ऐसा बोला कि आई नो हु आर यू, मतलब डूब के मर जाने वाली अंग्रेजी है ये, इससे अच्छा इंसान ना बोले, मतलब मुझे अब लगता है कि बड़ी इंसल्ट होगी, जिसको नहीं पता उसे नहीं पता, बट बहुत ही इंसल्टिंग माहौल बन जाएगा। देखो मैंने यहाँ एक एडजेक्टिव यूज किया, समझ में आया, इंसल्टिंग माहौल, yes, है ना। चलिए इसी तरीके से और कोई देखते डब्ल्यू एच, मान लो वाट ही ले लेते, वाट मतलब होता है क्या। अगर मैं कहता हूँ भाई उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो मैंने बोला व्हाट इज हिज नेम, एकदम करेक्ट है भाई, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, आई डोंट नो, आप कोई बता सकता है क्या होगा, व्हाट हिज नेम इज, व्हाट हिज नेम इज, यस आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, ऐसा होता है। लास्ट में इज लगाना लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता कि आइला ऐसा कैसा, वो बोलता है आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, अगर ऐसा बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। दिस इज सर, व्हेन के साथ जब बनाते हैं तो ये नहीं आता है ना, इस टाइप से सेंटेंस व्हेन के साथ स्टेट ऑफ बीइंग में कहाँ सही बन पाएगा, टेंस में बनाइए ना, टेंस में बनेगा, ऐसे वो कब जाती है, टेंस में उठा लेते हैं, व्हेन डज शी गो, मुझे नहीं पता वो कब जाती, आई डोंट नो व्हेन शी गोस, बन गया ना, डज गायब हो गया, टेंस पे यूज करो। और सोचो, अच्छा एक वर्ड आता है वेदर, पता है ना वेदर, और वेदर के साथ हम यस सर वेदर और नॉट, जैसे आपने बोला मुझे नहीं पता वो पागल है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो पागल है या नहीं, तो आई डोंट नो, यहाँ कैसे बोलोगे, फाइन गाइस। तो अब हमें क्या करना है, कल आपका होना चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपका होगा ओरल प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस। तो ओरल प्रैक्टिस में ऑफ कोर्स हम रैपिड फायर करने वाले हैं, तो इस रैपिड फायर में क्या होगा कि मैं एक छोटा डेमो दिखाऊंगा, आपको आपस में करना है कि आपको, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ डेमो दिखाता हूँ, आइए चलो रमेश चंद्रा से पूछ के देखते हैं, ठीक है, जो कल आप करोगे, ओके रमेश, यस सर, तुम कौन हो, हु आर यू, मुझे पता है तुम कौन, आई नो हु यू आर, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, हेलो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, डू यू नो हु आम आई, गलत हो गया ना, ठीक है, हु आई एम, ये चलो अशोक को बुलाते हैं, जो गलत हो गलत, अशोक आ जाओ, यस ओके, इसका प्राइस क्या है, व्हाट इज इट्स प्राइस, मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है, आई नो व्हाट इज इट्स प्राइस, हाँ फिर से सुनो, मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है, आई डोंट नो व्हाट द प्राइस इज,
What? For cost. What its price is. What its price is. Okay. So it's कैसे होगा? It's का मतलब इसका. It's का मतलब it is नहीं है. जैसे my मतलब मेरा. It's मतलब इसका. बिना कॉमा वाला ITS भैया. ITS. मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, रुको. ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसका प्राइस क्या है, प्राइस क्या है. मान लो कोई पेन है, ये कोई पेन है और मैं इसके बारे में कह रहा हूँ कि इसका प्राइस क्या है. तो पेन को मैं माई तो नहीं बोल सकता ना. इसका इसका की अंग्रेजी क्या होगी? निर्जीव आइटम के लिए क्या होता है? इट्स होता है. इट्स होता है ना, इसका रंग, इसका प्राइस, है ना, इट्स होता है. आपके पास एक टेबल है और आप टेबल की तरफ इशारा करके बोलो कि इसका रंग, तो आप इसको हिज बोलोगे क्या? हिज कलर बोलोगे कि इट्स कलर बोलोगे? क्या बोलोगे? खुद इट्स कलर बोलोगे, है ना? इट्स कलर. कोई निर्जीव आइटम है, आइटम है, उसको आप इट्स करके बात करोगे कि इसका रंग, इसकी टांगे, तो इट्स लेग्स बोलोगे. लेकिन अगर एक इंसान है तो वहां पर इट्स बोलोगे कि हिज बोलोगे? हिज बोलोगे, हिज लेग बोलोगे, है ना? सर पहले वैसे पता था कि निर्जीव के लिए इट लगाते हैं, पर इट से वो पहली बार पता चला. अच्छा अच्छा, यहाँ देखो देखो देखो, इट हम लगाते हैं. इट का मतलब क्या होता है? आपने बोला यह, आपने बोला कि यह महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव. यहां तक करेक्ट है. लेकिन जैसे आप बोलोगे कि इसका इसका कलर रेड है, अब इसका की अंग्रेजी क्या होगी? इसका की अंग्रेजी क्या होगी? इट्स. याद रखो, इट का मतलब अगर यह है तो इसका का मतलब इट्स होगा. तो इसका रंग लाल है, कैसे बोलोगे? इट्स कलर इज रेड. क्या आप ऐसा बोल सकते हो? इट कलर इज रेड, ऐसा बोल दोगे? सोचो. इसमें apostrophe लगेगा तो क्या होगा? बता रहा हूं, बता रहा हूं, सुनो. तो आप हमेशा बोलोगे इट्स कलर इज रेड, यानी कि इसका रंग लाल है. अब आप बोलो इसका प्राइस, इसका प्राइस 100 रुपए है, तो इसका की इंग्लिश क्या है? इट्स. तो इट्स प्राइस 100 रुपीज. अब आपने बोला कि इसका प्राइस क्या है, तो पहले आपने बोला व्हाट इज, यहां लगाया इट्स प्राइस, क्योंकि इसका की अंग्रेजी क्या है? इट्स है. व्हाट इज इट्स प्राइस? आपने बोला भाई मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है. आई डोंट नो व्हाट इज. अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि व्हाट के बाद हम इज लगाए कहां पर. यही है ना हमारा इज, ये हमारा इज. तो हम बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट, अब यहां पर हम रखेंगे इट्स, इट्स यहां रखेंगे प्राइस, और लास्ट में चला जाएगा इज. यही हमने सीखा ना, आई डोंट नो व्हाट इट्स प्राइस इज. तो ये इट्स सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लग रहा होगा भाई ये इट्स में कहीं इज तो नहीं छुपा है. जी नहीं, हम लोग सोचे ना सर इट्स वाला apostrophe वाला, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं. हाँ, मैं apostrophe वाला भी सिखाया था. देखिए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन सीखा जाता है. कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? छोटा करना, छोटापन. देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि आई एम, तो आई एम को हम छोटा कैसे करते हैं? एम ऐसे करते हैं ना, एम. यू आर को हम छोटा कैसे करते हैं? योर. उसी तरीके से शी इज को हम छोटा कैसे करते हैं? इज. शीज. ही इज को छोटा कैसे करते हैं? हिज करते हैं ना, इज. तो उसी तरीके से इट और इज को छोटा कैसे करते हैं? इट्स. अगर मैं कहता हूं कि इट इज एक्सपेंसिव, मैं इसको छोटा करके कैसे बोल सकता हूं? इट्स इट्स एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव. अगर मैं कहता हूं इट इज माय पेन, इसको मैं छोटा करके कैसे बोल सकता हूं? इट्स माय पेन, माय पेन. तो अब दो तरह के इट्स हो गए ना, एक हो गया apostrophe वाला इट्स और एक हो गया बिना apostrophe वाला इट्स. क्या फर्क है दोनों में भाई? apostrophe वाला जो है इसका तो मतलब है कि इट इज, लेकिन जो ये इट्स है इसका मतलब कितना है? इसका, इसका. बस इस. दोनों की बोलने में एक जैसा लगता है, इट्स इट्स. तो अगर मुझे बोलना है
कि इसका इसका वेट 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम है, तो मैं कौन सा वाला इट्स बोलूंगा? नीचे वाली सर, है ना, नीचे बोलूंगा इट्स इट्स वेट इज 100 ग्राम। अगर मैं कहता हूं कि यह बहुत अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, और मैं चाहता हूं कि मैं इट इज को इट्स बोलूं शॉर्ट में, तो मैं कौन सा वाला इट्स बोलूं? ऊपर वाली, अभी ऊपर वाली, है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, इट्स सो अट्रैक्टिव। अब कुछ क्लियर हुआ? यस यस सर, यस सर, है ना। तो बताइए उसका घर कहाँ है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक इंसान के बारे में, इंसान के बारे में बात हो रही है, तो वेयर इज हिज हाउस? हाउस मुझे नहीं पता उसका घर का, आई डोंट नो। अब वेयर वेयर हिज हाउस इज, वेयर हिज हाउस इज, यस। अशोक बाबू काहे शर्मा रहे हो, हैं पूरा बोलो। आई डोंट नो वेयर हिज हाउस इज। ओके, मेरा मोबाइल कहाँ है? वेयर इज माय मोबाइल, अमर मोबाइल कोथाय आछे? मुझे नहीं पता तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, आई डोंट नो वेयर। अब वेयर मोबाइल, वेयर माय मोबाइल इज, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, आई डोंट नो वेयर योर मोबाइल इज। मैं यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ कि मुझे नहीं पता, नहीं पता कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, इस तरीके से, ठीक है। तो बस अब इस पे कल हम प्रैक्टिस करेंगे। सर, करता हूँ, हाँ जी बोलिए। ओ कभी कभी हमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जैसे भीतरी वाला एडजेक्टिव को मैं सीधा एडजेक्टिव बना के यूज करूँ या उसको भर के लिए यूज करूँ। आप इसको इज आर एम वाज वर्ब के साथ यूज करना, और उसको वर्ब मत समझना। ऐसे कहना कि टूटा हुआ है, जैसे आपका कोई शर्ट है, शर्ट फटा हुआ है, और आपने बोला यार ये मेरा शर्ट तो फटा हुआ है, तो आप उसे कैसे बोलोगे? मतलब वो एडजेक्टिव ही हुआ ना, वो टेंस कहाँ हुआ? सर जैसे मैं बोलना चाहूँ ये मुझसे गलती हो गया, मिस्टेक से सर, या इट्स माय मिस्टेकन, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, हो गया वगैरह में मत बोलो। अगर आपको ऐसा बोलना है कि यह मेरी गलती है, तो गलती के लिए भी नॉर्मल वर्ड है, इट इज माय मिस्टेक। मिस्टेकन क्या होता है? अगर एक एडजेक्टिव होता है मिस्टेकन, अगर मैं कहता हूँ आई एम मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, तो यानी कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है, ये दिखाता है। जो मिस्टेकन जो एक वर्ड है ना, ये बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैंने गलती कर दी है, पूरा आपको टेंस बोलना है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव मेड अ मिस्टेक, कैसे होता है? आई हैव मेड अ मिस्टेक, स्टेट ऑफ बीइंग में चलेगा ना सर, आई एम मिस्टेकन। हाँ, आई एम मिस्टेकन स्टेट ऑफ बीइंग है, पक्का ये है। यस, फाइन गाइस, यस।